तो आज हम टेयर डाउन करने वाले हैं ट्रीबिट होम ब्लूटूथ स्पीकर का। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्पीकर अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, हमें ये ट्रीबिट ने सेंड किया था डायरेक्टली यूएस से। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो इसको ओपन करने के लिए इसके बॉटम पार्ट में जो रबर पैडिंग दी गई है, सबसे पहले हमें इसको निकालना होगा। यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए 6 स्क्रू दिए गए हैं। तो इसके बॉटम पार्ट के सभी स्क्रू हमने ओपन कर दिए हैं, इसके बाद इसका बॉटम पैनल निकल जाता है काफी आराम से। तो यहाँ पे इसके काफी सारे कनेक्शंस दिए गए हैं, सबको हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये है इसकी मेन मदरबोर्ड, इसको ओपन करने के लिए इसमें 4 स्क्रू दिए गए हैं। तो स्क्रू ओपन हो चुके हैं, तो मदरबोर्ड निकालने से पहले इसके बॉटम पार्ट में इसका सेल दिया गया है, इसको हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये इसकी मदरबोर्ड, इसी में इसके सभी आईओज वगैरह भी दिए गए हैं। तो अब रिमेनिंग पार्ट को ओपन करने के लिए इसका टॉप पैनल हमें निकालना होगा। तो ये इसका फ्रंट पार्ट जहां पे इसकी डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले को ओपन करने के लिए इसमें 4 स्क्रू दिए गए हैं। डिस्प्ले निकल चुकी है एंड अब इसको कम्प्लीटली ओपन करने के लिए इसमें 4 स्क्रू दिए गए हैं। तो ये रहा इसका सबवूफर एंड ट्विटर, दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सभी स्क्रू हमने ओपन कर लिए हैं। तो ये है इसका ट्विटर, 25 वॉट का सबवूफर। तो अब इसको कंप्लीटली ओपन करने के लिए इसके फ्रंट पार्ट में 8 स्क्रू दिए गए हैं। तो इसकी बिल्ड देखी जाए तो काफी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से बना हुआ है, नो डाउट आप देख के भी समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे इसके एलईडी स्ट्रिप है, इसको ओपन करने के लिए इसमें 6 स्क्रू दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसकी एलईडी स्ट्रिप है एंड इसमें टोटल 20 एलईडी दी गई हैं एंड इसके पीछे के पार्ट में इसका बेस रेडिएटर पेस्टेड है। ऑलरेडी गाइस, तो मुझे आपको स्पीकर के अंदर का एक ओवरव्यू देना था एंड वो मैं आपको दे चुका हूँ। अब इसको हम फटाफट से क्लोज कर देते हैं एंड प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो स्पीकर को ओपन करने में काफी मेहनत लगी है, अब इसको क्लोज भी करने में उतनी ही मेहनत लगने वाली है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से रेड को ग्रे कर दीजिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो इसको हमने कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है, अब इसको हम ऑन करके भी चेकआउट कर लेते हैं।